السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقال تعالى في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فالزمها فإن الجنة عند رجليها رواه النسائي. मस्जिद के जिम्मेदारान, जमीयत और जमात के कारकुनान, इस मजलिस में शरीक नौजवानान इस्लाम और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, उनसे दरख्वास्त है बहुत संजीदगी से कुछ मिनट इस प्रोग्राम को समाप्त करें, सुनने के साथ साथ अमल की कोशिश करें, अमल करें, क्योंकि अमल करना ही असल कामयाबी। सुन लेना कमाल नहीं, सुनने के साथ अमल करना ये अहले ईमान की पहचान है। अहले ईमान की पहचान बताई गई, इदा दुउ इलल्लाह व रसूली कालू समिअना व अतअना। जब उन्हें कोई नसीहत की जाती है, कोई बात पहुंचाई जाती है, दावत दी जाती है, तो सुनने के साथ साथ वो तस्लीम भी करते, अमल भी करते। तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी दीन की मजलिस हो, दीनी नसीहत हो, प्रोग्राम हो, हम वहाँ शिरकत करें। तो एक नीयत होनी चाहिए कि हम उससे कुछ हासिल करें। अगर ये सोच पैदा हो जाए कि कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है, तो ये आदमी कोई नहीं कहेगा कि वो फलाम साहब ऐसे कहे वैसे कहे, उनका अंदाज अच्छा नहीं था या उनका अंदाज बहुत अच्छा था। ये सोच नहीं पैदा हो। जब मकसद ये हो जाए कि हमें सीखना है, तो आदमी सीखने की नीयत से हाजिर होगा और वो कुछ हासिल करके, कुछ ले करके जाएगा। तो अकलमंदी यही है, अल्लज़ीना यत्तबिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वो लोग जो कुरान और हदीस की बातों को इंतहाई संजीदगी के साथ, गौर के साथ सुनते हैं और उसकी अच्छी बातों को कबूल करते हैं, पैरवी करते हैं, अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने आगे क्या कहा, उलाइक हुम उलुल अलबाब, का यही लोग अकलमंद हैं। मालूम ये हुआ कि जो सुनने के साथ, अच्छी बातों को सुनने के साथ अमल करता है वो अकलमंद, और जो सुन करके अमल नहीं करता है वो अकलमंद नहीं। और जो अकलमंद नहीं है उसको क्या कहते हैं, उसको बताने की ज़रूरत है कि समझदार है। खुतबे मसनूआ के बाद कुरान करीम की दो आयतें भी आपके सामने पढ़ी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर एक नसीहत की, एक वसीयत की। अल्लाह ताला कहता है, वसीन अल इंसान
यकीनन हमने इंसान को ये वसीयत की है। क्या है वसीयत? बिवालिदैहि इहसाना, वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। क्यों माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें? अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो? ये तो आम बात है, लोग जानते हैं कि माँ बाप का हक है, उनका मकाम है, उनका दर्जा है, उनकी फजीलत है। फिर अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो? ये तो सारे लोग मानते हैं कि अच्छी बात है, हर दीन में ये चीज़ है, हर शरीयत में, हर दीन में, हर मजहब में ये तालीम है कि माँ बाप का ख्याल रखो। मगर हमारे दीन में सिर्फ इतना ही नहीं है कि ख्याल रखो, अल्लाह की ये वसीयत है, अल्लाह की ये वसीयत है। जैसे एक आदमी मरने वाला हो, कोई वसीयत कर जाए कि मेरे माल में उसको इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, लोग उस वसीयत का कितना ख्याल रखते हैं, उस वसीयत की कितनी पाबंदी करते हैं, मखलूक की वसीयत की कितनी पाबंदी करते हैं। सोचिए कि अल्लाह की वसीयत है, हमें और आपको कितना ज्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा, वसीयन लिल्इंसान वालिदैहि एहसाना, कि हमने इंसान को ये वसीयत की है कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। और फिर अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा बताया, हमलतहु उम्मुहु कुरहा, कि उसकी माँ ने अपने पेट में तकलीफ से रखा, ववदअतहु कुरहा, और तकलीफ से उसको जना। और ये बहुत तकलीफ, साइंसदान ने, मेडिकल साइंस ने जो सर्वे किया है, जो तहकीक की है, इस रुए ज़मीन पर जो सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ी तकलीफ है, वो डिलीवरी की तकलीफ है। यही अल्लाह ताला ने कहा है, ववदअतहु कुरहा, उसकी माँ ने उसको बड़ी तकलीफ से जना है। तो अब माँ का इतना बड़ा, माँ की इतनी बड़ी कुर्बानी है कि उसने, माँ ने 9 माह तक पेट में रखा, तकलीफ से जना, और फिर तकलीफ से बच्चे की तरबियत की, परवरिश की, दूध पिलाया, पेशाब पाखाना सब साफ किया, ये सारी माँ की कुर्बानी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ का दर्जा बहुत बड़ा बताया। यहाँ देखो अल्लाह ताला ने कहा दोनों के साथ, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन बाप की कुर्बानी का यहाँ जिक्र नहीं किया, लेकिन माँ की कुर्बानी का यहाँ अल्लाह ने जिक्र किया। कहा माँ ने तकलीफ से पेट में रखा, हमल में रखा, और तकलीफ से उसको जना, और फिर जब बच्चा पैदा हो गया तो 2 साल तक दूध पिलाया, बच्चे की तरबियत, पालना पोसना, नहलाना धुलाना, उसकी सफाई करना, ये एक माँ ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला दूसरी को फरमा रहा है, ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن, कि हमने इंसान को ये नसीहत की है, वसीयत की है कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, उसकी माँ ने उसको तकलीफ दर तकलीफ में रखा है। अल्लामा इब्ने हजर अस्सलानी रहमतुल्लाही अलैह, और इसी तरीके से इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, यानी मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूँ, वो कौन शख्स है जो मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार है? आपने कहा तुम्हारी माँ। फिर सवाल के कहा तुम्हारी माँ। आपने 3 मरतबा कहा तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। और फिर जब 4वीं मरतबा सवाल किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा तुम्हारे वालिद। 3 दर्जा माँ का है, 3 दर्जे के बाद दर्जा वालिद का है, बाप का है, अब्बू का है। इस हदीस की तशरीह में इमाम नौवी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह, इब्न हजर अस्सलानी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि
माँ का हक बाप के मुकाबले में ज़्यादा है, माँ का हक बाप के मुकाबले में ज़्यादा है, इसलिए इताअत व पैरवी और खिदमत में माँ की बात ज़्यादा मानी जाएगी, माँ की खिदमत ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि माँ ने बड़ी कुर्बानी दी, पेट में रखा, तकलीफ़ से रखा, तकलीफ़ से जना और दूध पिलाया, गंदगी की सफाई की और सारी कुर्बानी माँ ने दी है, इसलिए माँ का दर्जा बाप के मुकाबले में तीन गुना बड़ा है, तीन गुना ज़्यादा है। लेकिन हमारा समाज मुआशरा अक्सर लोग ऐसे हैं कि मजबूरी में तो वालिद की इज्जत करते हैं, वालिद का हक अदा करते हैं, लेकिन माँ को कमज़ोर समझ करके उसको दबाते हैं, माँ को तकलीफ़ देते, क्योंकि अब्बू को सताएंगे तो जूता चप्पल लाठी सब मिल सकती है, लेकिन वालदा के साथ आदमी बदसलूकी पर उतर आता है, नाफरमानी पर उतर आता है। हमारी शरीयत ये कहती है माँ बाप दोनों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, ये कुरान का हुक्म है, ये हदीस का हुक्म है, इस्लाम का हुक्म है, और वालिदा का और माँ का दर्जा और मकाम वालिद से बढ़ करके, एक तरफ वालिद बुला रहे हैं और दूसरी तरफ वालदा बुला रही है, ऐसे मौके पर हमें माँ की बात ज़्यादा माननी है। जबकि ऐसा कभी इख्तलाफ ऐसा नहीं होता है कि बैक वक्त दोनों बुलाए, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन खिदमत में इताअत व पैरवी में माँ का दर्जा बाप के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर हम अपनी वालदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो ये दीन भी है और ये दैन भी है। बिर्रुल वालिदैन दीनुन व दैनुन, यानी माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की पैरवी करना, ये दीन है, इस पर अज्र मिलेगा दुनिया व आखरत में, इसका सवाब मिलेगा, और ये कर्ज भी है, यानी अगर अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो हमारी औलाद बागी बनेगी, हमको तकलीफ देगी। जो हमारे नौजवान हैं इनकी अक्ल पुख्ता नहीं है, जज्बाती होते हैं, नाफरमानी पर उतर आते हैं, समाज को देखें, मुआशरों को देखें, घरानों को देखें, वो घराने जिनमें माँ बाप की तौहीन होती है वही औलाद उनके यहाँ बड़ी होती है और फिर अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचाती है। जो जैसा करेगा अल्लाह उसके साथ वैसा ही सलूक करेगा। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना, इसका अज्र आखिरत में अल्लाह ताला तो देगा ही, दुनिया में अल्लाह ताला उसको अज्र अदा करता है। जो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं उनकी औलाद उनकी माँ उनकी फरमाबरदारी करती है, और जिनके वालिदैन और जिनके बच्चे वालिदैन के नाफरमान होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके बच्चों को बागी बना देता है, वो अपने माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। असलाफ के बहुत सारे वाकयात हैं कि माँ के साथ अच्छा सलूक करना ये बहुत बड़ा जिहाद है। हम जिहाद में तो नहीं गए, बहुत सारे लोग जिहाद जानेंगे, जिहाद क्या चीज़ है, जंगे बदर में हम लोग नहीं थे, आज अगर जंगे ऐसी जंगे हो तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाएंगे। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना ये जिहाद का दर्जा है, जिहाद का मकाम है। एक सहाबी आए और कहा कि मैं अपने घर से निकला जिहाद के लिए जा रहा था तो मेरे वालदैन रो रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उनको हंसाओ और उनकी खिदमत करो और उनकी इताअत व पैरवी करना, यह जिहाद है, तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, यही जिहाद है। और एक सहाबी को आपने ये कहा فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا, वालिदा के साथ अच्छा सलूक करो, माँ के साथ अच्छा सलूक करो, लाजिम पकड़ो या उनकी खिदमत में लगे रहो, जम जाओ, उनको तकलीफ मत दो, उनको खुश रखो। क्यों? فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا, क्योंकि जन्नत
उसके दोनों कदमों के नीचे, यानी उनकी पैरवी करोगे, वालदा की खिदमत करोगे, उनको खुश रखोगे, उनके काम आओगे, जन्नत आसानी से मिल जाएगी। जन्नत का रास्ता ये है। थे ओएस कर्णी रहमतुल्लाह अलैह, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। ओएस कर्णी रहमतुल्लाह अलैह ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, लेकिन सहाबी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम मदीना में थे और ये यमन में थे। यमन और मदीना से बहुत ज़्यादा फासला नहीं, 700-800 किलोमीटर का फासला है। ओएस कर्णी रहमतुल्लाह अलैह नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। उनकी बड़ी चाहत थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सहाबी बन जाऊँ, रसूल से मुलाकात कर लूँ। लेकिन यही सोचते थे कि अगर मैं घर से निकल गया तो सहाबी तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरी वालदा का क्या होगा, क्योंकि उनके अलावा कोई खिदमत करने वाला नहीं था। ओएस कर्णी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं बार बार यही सोचता रहा, बिल आखिर मैंने यही डिसीजन लिया, जिंदगी रही तो मुलाकात नबी से हो जाएगी, सहाबी बन जाऊंगा। जैसे सहाबा का क्या मकाम है, सहाबी की क्या फजीलत है, और माँ की खिदमत करता रहूँगा। लेकिन माँ की खिदमत में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और हैते ओएस कर्णी रहमतुल्लाह अलैह ये स्किन के चमड़ी की बीमारी में मुब्तला था, जिसमें सफ़ेद हो जाता है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी, अल्लाह ताला हज़रत की हिफाजत फरमाए। बीमारी मुब्तला था, माँ की खिदमत में लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, खिदमत करते रहे, सहाबी नहीं बने, वो अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी वालदा की दुआ को कबूल किया और उनकी बीमारी दूर हो गई। माँ बाप की खिदमत इतनी बड़ी फजीलत, इतना बड़ा मकाम कि आदमी बीमार हो, वालदा दुआ करे तो आदमी को शिफायाबी मिल जाती। ओएस कर्णी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने दुआ की, उनकी बीमारी दूर हो गई। ओएस कर्णी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आसमान से ये वही नाजिल हुई है। कौन? सहाबी नहीं, मुखज़रम है, ताबई। सहाबी नहीं है, ताबई। इनके बारे में वही नाजिल हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल हुए और क्या कहते हैं प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पढ़ के सुनाई लोगों को, कहा देखो यमन में एक अल्लाह का बंदा है, यमन में अल्लाह का एक बंदा है जिसका नाम ओएस है, वो शख्स अपनी वालदा की खिदमत में लगा हुआ है, वह अपने वालदा का फरमाबरदार बेटा है, तुम अगर मिल सको तो मिलो और उनसे मगफरत की दुआ करो, तुम मिल सको तो मिलो, अगर तुम्हारे पास कुव्वत है, ताकत है, जाओ उनसे मिलो और उनसे मगफरत की दुआ की दरख्वास्त करो, जाओ तो कहो ओएस आप अल्लाह से दुआ कर दी कि अल्लाह ताला मुझको माफ़ कर दे। ये किसको हुक्म दिया जा रहा है? सहाबे इकराम को हुक्म दिया जा रहा है। अब सोचिए कि इनके बारे में वही नाज़िल हुई, सहाबी नहीं है, ताबई है, नबी से मुलाकात नहीं हुई, नबी के ज़माने में थे, नबी पर ईमान लाए थे, मगर वालदा की खिदमत में इस कदर मशगूल हो गए, कहा कि मैं वालदा को छोड़कर नबी से नहीं मुलाकात करूँगा, वालदा का इंतकाल हो जाएगा, वालदा नहीं रहेगी, बाद में अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात हो जाएगी। यानी नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के मुकाबले में वालदा की खिदमत को तरजीह दी, वालदा की खिदमत को तरजीह दी, नबी से मुलाकात नहीं किए, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से उठे और मुलाकात नहीं कर सके। और आपने क्या फजीलत बयान फरमाई? कहा अगर तुम मिल सको तो मिलो और उनसे मगफरत की दरख्वास्त करो। इस हदीस के बयान करने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब खिलाफत आई, कौन है उमर?
जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि जिस रास्ते से गुजरते शैतान भाग जाता है। उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में आपने ये कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते रजी अल्लाह तआला। इतनी बड़ी फजीलत वाले सहाबी जाते हैं मीना के अंदर हज करने के लिए, मीना में खेमे लगते हैं तो यमन वालों के खेमे के पास जाके पूछते हैं हल फीकुम ओएस, क्या इस साल ओएस हज करने आए हैं? लोगों ने कहा नहीं आए। दूसरे साल गए, पूछा हल फीकुम ओएस, क्या आज इस साल ओएस हज करने आए हैं? कहा नहीं आए। फिर गए हज करने के लिए, मुलाकात करने की खातिर मुलाकात हुई और दोनों गले मिले और हैत उमर रजी अल्लाह तआला उवैस रजी अल्लाह तआला से कहते हैं ऐ उवैस, तुम्हारे बारे में नबी ने कहा है कि तुम मुलाकात कर सकते हो तो मुलाकात करो और उनसे मगफरत की दरख्वास्त करो। हजरत उमर कह रहे हैं कि ऐ उवैस, आप मेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझको माफ़ कर दे। हम समझे इसको, इस नुक्ते को कि उमर रजी अल्लाह तआला की इतनी बड़ी शख्सियत, वो मगफरत की दुआ उनसे करा रहे किन से, जो सहाबी भी नहीं। उवैस रजी अल्लाह तआला को दर्जा मिला, मकाम मिला, इज्जत मिली। ये मकाम मिला तो माँ की खिदमत की वजह से, तो माँ की खिदमत एक ऐसी फजीलत है, ऐसी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर नवाजता है, दुनिया के अंदर अता करता है। आप देखिए जो लोग अपने वालिदैन पर खर्च करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी माल में औलाद बरकत देता है, बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो लोग रूठ करके नाराज़ होकर के अलग हो जाते हैं और माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते, वो ज़िंदगी भर परेशान रहते, ज़िंदगी भर झेलते, मुश्किलात से परेशानियों से जूझते, ये तो दुनिया की माल, ये दुनिया की तकलीफ़ की बात है। लिहाजा हमारी और आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने वालदेन की कदर करें और ख़ास तौर से अपनी वालदा का ख्याल रखें, उसकी खिदमत करें, उसको तकलीफ़ ना पहुँचाएं, उनको बुरा भला ना करें। हमारा दीन ये कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये फ़ैसला है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी की बंदगी मत करो, यानी तौहीद पर कायम रहो, शिर्क मत करो, अल्लाह की खालिस इबादत करो। वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह ताला कहता है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और कैसा सलूक? कहा इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ्फ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वाग़फ़िर लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कहा अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वो माँ बाप बुढ़ापे में पहुँच गए दोनों, या दोनों में से कोई एक, तो उनको झिड़को मत, बुलंद आवाज़ से बात मत करो, सख्ती से कलाम मत करो, बद कलामी पर ना उतरो, बल्कि वकुल लहुमा कौलन करीमा, शराफत से बात करो, नरमी से बात करो, अखलाक से बात करो, और फिर अपने बाजू को झुका दो रहमत के साथ, यानी उल्फत महब्बत अपनाइत इस कदर हो आजजी कि माँ बाप को लगे कि हमारी औलाद है। वरना फिर जब औलाद बिगड़ती है तो माँ बाप क्या तमन्ना करते हैं, इससे बेहतर था कि औलाद ना मिलती तो अच्छा था। औलाद अगर नाफरमान हो जाए तो माँ बाप क्या तमन्ना करते हैं कि अगर औलाद की नेमत ना मिलती तो अच्छा था, अच्छा होता। तो औलाद का बागी बन जाना, नाफरमान बन जाना, माँ बाप के हुकूक को अदा ना करना, ये माँ बाप को बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत तकलीफ़ पहुँचाती है। माँ बाप का हक ये है कि हम उनको उस तरह रखें जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमारे बचपने में ख्याल रखा, कि माँ बाप ने हमको वो सारी चीज़ें दे दी जो उनके पास था, मगर आज हमारे पास है तो हम उतना नहीं दे पाते जितने कि वो मुस्तहिक हैं। माँ बाप ने तो हमको वो सब दे दिया जो उनके पास था। जब हम छोटे थे, जब हम बचपने में थे, माँ बाप ने हमको वो सब दे दिया
जो उनके पास था। मगर आज हमारे पास माल है, दौलत है, तो हम अपने माँ बाप को वो नहीं दे पाते जो उनका हक बनता है। काट के देते, मुख्तसर देते, कटौती करते, एहसान जतलाते, रोक झाड़ते, तकलीफ पहुँचाते। तो माँ बाप ने तो सब खर्च कर दिया हमारे ऊपर, लेकिन हम अपनी औलाद, अपनी माँ बाप पर वो खर्च करने के लिए तैयार हैं। यस अलून का मादा यून फिकून कुल मा अनफक तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक्रबीन। माल हमारा है, लेकिन हमारे माल में वालिदैन का भी हक है। माल हमारा है, लेकिन हमारे माल में वालिदैन का भी हक है। अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को खर्च नहीं दे रही है, शरीयत ये कहती है कि वालिदैन बिना बताए अपनी औलाद के जेब से निकाल सकती, जो उनकी ज़रूरत है, जो उनके खर्च की ज़रूरत है अपने खर्च के मुताबिक वालिदैन अपनी औलाद के माल से निकाल सकती बगैर पूछे, जिसको कहते हैं चोरी करना। क्योंकि चोरी नहीं होगी, क्योंकि औलाद का जो माल है ये बाप का भी माल है। औलाद का जो माल है ये बाप का माल है। ऐसा नहीं किया औलाद ने कमा लिया है, जमा कर लिया है तो सिर्फ बाप औलाद का माल है, नहीं। माल में, हमारे माल में वालिदैन का सबसे पहले हक है, वालिदैन का सबसे बड़ा हक है। और वालिदैन का हक ये है, जिंदगी में हो तो भी हक बाकी है, यानी माँ बाप जिंदा हो तो भी हक बाकी रहता है। अगर वफात पा जाए, इंतकाल कर जाए, तो ये माँ बाप का रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, हक ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, माँ बाप पर कर्ज है, औलाद की जिम्मेदारी ये कि वो कर्ज अदा करे, कर्ज अदा करे। प्रॉपर्टी और विरासत बाद में तकसीम होगी, कर्जा पहले अदा किया जाए, कर्जा पहले अदा किया जाएगा। इंतकाल हो गया है, माँ बाप का इंतकाल हो गया है, तो हुस्ने सुलूक ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी है अभी, जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई है, बाकी है अभी, अदा करना ज़रूरी है। पहला हक, अगर माँ बाप के ऊपर कर्ज था वो कर्ज हम चुकाएं। बताया गया कि अगर विरासत है, माल छोड़ा है, कर्जा भी है, पहले कर्जा चुकाया जाएगा, बाद में उसकी प्रॉपर्टी और विरासत तकसीम होगी। इसी तरह से दूसरा हक ये है कि हम अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ करें। ईमान की हालत में जो हमसे रुसत हो गए हैं वालिदैन, औलाद की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप के हक में मगफिरत की दुआ करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे के दर्जात को बढ़ा दिया जाता है। वो बंदा अल्लाह ताला से पूछता है कि मैंने दुनिया में कोई नेकी नहीं की है जिसका सवाब मुझको इतना बड़ा मिले, ये कैसे हो गया, मैंने तो इतनी नेकी दुनिया में नहीं की थी। वालिदैन कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, दिलों को झिझोड़ने वाली रवायत है कि कितने ऐसे लोग हैं जो माँ बाप का हक अदा जिंदगी में नहीं करते, तो क्या तवक्को है कि मरने के बाद हक अदा करेंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कयामत दिन इंसान कहेगा कि मैंने तो कोई नेकी नहीं की थी, लेकिन इतना बड़ा अज्र कहाँ से मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, बिइस्तिग़फ़ारी वलदिक लक, तेरे बेटे ने तेरे हक में मगफिरत की दुआ की, जिस मगफिरत की दुआ के नतीजे में तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया गया। तो माँ बाप का हक ख़त्म नहीं होता मरने के बाद, बाकी रहता है वो हक है कि मगफिरत उनके हक में हम मगफिरत की दुआ करते हैं। नमाजों में दुआ करें, सफ़र में दुआ करें, जब भी हम दुआ के लिए हाथ आए तो अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरीके से वालिदैन की तरफ से सदका करें। सदका करना, ये मिजाज हमारे यहाँ नहीं, ये मिजाज हमारे यहाँ नहीं। ज़िंदगी में खर्चा नहीं देते तो मरने के बाद क्या खर्चा देंगे, ज़िंदगी में ख्याल नहीं देते मरने के बाद क्या ख्याल रखेंगे। मगर हमारे असलाफ की तारीफ पढ़ें, सहाबा इकराम की तारीफ पढ़ें। एक सहाबी हैं हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया,
प्यारे नबी अलैहि सलाम से आके सवाल के कहा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, तो क्या मैं अगर कुछ सदका करूं तो मेरी वालदा को सवाब मिलेगा? प्यारे नबी अलैहि सलाम ने कहा हाँ सवाब मिलेगा। उन्होंने गवाह बनाया, कहा कि मेरा जो बाग है मिखराफ, एक बड़ा बाग था उनका, कहा मैं अपनी वालदा की तरफ से सदका कर रहा हूं। इससे माल बरकत होगी। माल बरकत चाहते हैं, हिसाब लगाएं, हर महीने सदका करें वालदा की तरफ से, थोड़ा ही सही अपनी इस्तात के मुताबिक। उनके पास तो बाग था, बाग सदका कर दिया। हमारे पास जो भी इस्तात है, जो भी ताकत है, हम अपने वालदेन को मरने के बाद भी फायदा पहुंचा सकते हैं। हम जो सदका देंगे, सदके का सवाब हमको भी मिलेगा क्योंकि माल हमारा खर्च हो रहा है, लेकिन इस सदके के सवाब के साथ अल्लाह तबारक व तआला वालदेन को भी सवाब अता करेगा। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जैसा हम दुनिया में करेंगे वैसा हमारे साथ किया जाएगा। अगर आज हम अपने वालदेन की तरफ से सदका कर रहे हैं तो कल हमारे बच्चे होंगे तो वो हमारी तरफ से, जब हम मर चुके होंगे तो हमारी औलाद हमारी तरफ से सदका करेगी, हमारा सहीफा तर होगा, भरा रहेगा नेकियों से, नेकियों का खजाना जारी रहेगा। तो हमारे पास ताकत है, इस्तेआत है, कुवत है, तो हम अपने वालदेन की तरफ से सदका करें, खर्च करें। ये सदका ये खर्च वालदेन को सवाब पहुँचता है। तो माँ बाप के कुछ हुकूक हैं जिंदगी के अंदर भी, और कुछ हुकूक हैं मरने के बाद भी, ख़त्म नहीं होता है। लिहाजा हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने वालदेन को एक नेमत समझें और उनकी कदर करें। ये घर के लिए सूरज और चाँद है, ये वालदेन, ये माँ बाप, ये घर के लिए सूरज और चाँद की हैसियत से है। सूरज का रोल बाप अदा करता है, चाँद का रोल माँ अदा करती है। ऐसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में यही तो देखा था, इन्नी राईतु शम्स वल कमर, कि मैंने सूरज और चाँद को देखा है और 11 सितारे को देखा है, सब मुझको सजदा कर रहे हैं। ख्वाब की ताबीर क्या थी? सूरज से मुराद वालिद है, चाँद से मुराद उनकी वालिदा है, और 11 सितारे उनके भाई हैं। तो माँ बाप सूरज चाँद हैं, उनको हम बोझ ना समझें, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको और मुस्लिम नौजवान को माँ बाप के साथ उसे सलूक की तौफीक अता फरमाए, और बदखुलकी से, बदअखलाकी से और नाफरमानी से हम सबकी हिफाजत फरमाए, और जो हमें मरीज़ हैं अल्लाह ताला उनको अपने फजल व करम से शिफाए कामिल अता फरमाए, और ईमान की हालत में जो हमसे रुसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए, अदाब कब्र से बचाए और हम सबको भी अदाब कब्र से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए, और दुनिया में जब तक जिंदा रखे ईमान और तौहीद पर कायम रखे। امين يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।